अबे ए ईशान किशन, एक सेकंड जरा प्लीज आइए सामने, जरा प्लीज आइए। आयन क्या कर रही है? क्या कर बेटी तुम? अब बता। बस हवा निकल गई इंटरनेशनल क्रिकेट में आती। ओवररेटेड प्लेयर, लवड़ा का छोटा डायनामाइट है, टेस्ट प्लेयर है, अंबानी के 15 करोड़ बर्बाद, एमआई का प्लेयर है ना, इसीलिए चांस मिल रहा है। पिछली सीरीज में बहुत परेशान था, फिर वो टीम सामने आई जिसके सामने विजय शंकर का फॉर्म भी वापस आ जाता है। अब मैं वापस फॉर्म में हूँ। मैं तो कहता हूँ हर महीने श्रीलंका को टूर पे बुलाओ, पास में ही रहते हैं, खर्चा भी कम होता है और रन्स के रन्स भी बन जाते हैं। अगर तुम हो एक यंगस्टर और श्रीलंका के अगेंस्ट तुमको मौका मिल रहा है 2 डाउन बैटिंग करने का, तो मेरे दोस्त तुम्हारा कट चुका है, तुम्हें केवल नसीब में मिलेगी तो फील्डिंग, क्योंकि टॉप 3 विकेट्स गिराने में श्रीलंका को 150 साल लगेगा। अब कितने लोगों को पता है कि कल भाई संजू सैमसन भी हमारे खेल रहे थे? अरे तुमको क्या संजू सैमसन को खुद को नहीं पता? मैच खेलने के नाम पर एक कैच मिला जनीत लियानेज का, जो कि खुद ही भाई दूसरा मैच खेल रहा अपना। पूरे ग्राउंड पर कोई नहीं था, बस एक ही बंदा ऑडियंस में था, वो था संजू सैमसन। कहे कि 7 प्लेयर बॉलिंग करा है, 3 प्लेयर बैटिंग कर ली है, बचा 1 प्लेयर, वो था संजू, क्योंकि संजू तो चूतिया है, वो राजस्थान रॉयल्स ही खेलेगा बस। हमने भी अलग ही रिकॉर्ड बना लिया है ग्राउंड के अंदर से मैच देखने का, पर हमारे टीममेट्स भी अलग ही मजे ले रहे थे। मैच जीतने के बाद जब ड्रेसिंग रूम में गए तो वहां पे गाना बजा दिए ये लोग, हल्ला बोल धुन तनक धुन धुन। भाई अगर तुमको भी श्रीलंका के अगेंस्ट कोई ऑफर आ रहा है ना कि चलो दोस्त तुम्हारा सिलेक्शन हो गया टीम इंडिया में 2 डाउन पर बैटिंग करना, स्कैम है भाई, उससे अच्छा ऑस्ट्रेलिया छुट्टियां मनाने चले जाना, फील्डिंग कराने ले जा रहे हैं तुमसे बस, क्योंकि बैटिंग तो टॉप 3 करेंगे। और यार ये श्रीलंका का फंडा क्या है भाई, हर बार ही अपनी पूरी टीम चेंज कर लेती है। मतलब यार जब लास्ट टाइम इंडिया से खेले थे तो कोई और ही खेल रहा था, जैसे तैसे उन लोगों के मैंने नाम याद करे थे, अय्यर, तिरुचिपल्ली अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, पर इस बार फिर से टीम बदल ली। कुशल परेरा, मेहंदिस कहां गए भाई, इनको लाओ ना, मतलब हम लोगों ने विराट भाई और पंत को आराम दे दिया तो तुम लोग दिल पे ही ले गए कि हम भी नहीं खिलाएंगे भाई। इतनी ठुस्सू टीम ना भाई साहब की, नेपाल के संदीप लमिशाने से बॉलिंग करवा दो तुम, वो ऑल आउट ना कर दे इनको तो बताना। इस पूरे मैच में भाई दोनों टीमों ने इतने कैच भर भर के ड्रॉप किए कि ऐसा लग रहा था ये मैच स्पॉन्सर्ड बाय कमरान अकमल एंड पावर्ड बाय सैयद अजमल है। खुले में हकना बंद करो। टहल भाई का तो बेचारे को आदत ही हो गई भाई अपनी बॉल पे कैच ड्रॉप देखने की, हंस देते हैं बेचारे, क्या ही करें। कैच देख के भाई ऐसे सेलिब्रेट करते करते जा रहे थे, अय्यर भाई ने बोला रुको जरा कैच ड्रॉप करने दो, कभी बिश्नोई कैच छोड़ देता है कभी अय्यर भाई। ये सब लोग मिलके हमको पागल बना रहे हैं कमरान अकमल के बच्चे, कैच ये नहीं पकड़ेंगे विकेट हमको नहीं मिलेगा और टीम से बाहर कौन जाएगा? यूजी। पहले तो चलो चीकू भैया आप कैप्टन थे, डर कम था, दूसरा टिकटॉक भी था, दोनों ही नहीं है अब, करियर की चिंता होती है इसलिए बोल रहे हैं, बल्कि प्यार बड़ा करते हैं अपने टीममेट से। यूजी भाई का दिल बड़ा है पर तुम कैच छोड़ोगे यूजी भाई पीछे से झपट के तुमको टाइटेनिक बना देंगे। तुम्हारे में दम हो तो नेहरा भाई की बॉल पे कैच छोड़ के बताओ, सपने में भी गालियां बीप नहीं हो पाएगी। कुछ चीजें ऐसी होती भाई कितनी भी बार देख लो हंसी आ ही जाती है। नेहरा भाई के चेहरे का वो फ्रस्ट्रेशन, इजी सा कैच नहीं पकड़ते हो यार। कल जिसने भी कैप्टन वाइस कैप्टन हमारे शर्मा जी और ईशान किशन को बनाया होगा, माने दोनों ओपनर्स को बनाया होगा भाई, उसके घर में महिंद्रा थार आ गई होगी माय 11 सर्कल की तरफ से। और केवल फर्स्ट T20 नहीं बल्कि जो सेकंड T20 कल होने वाला है उसमें भी तुम जीत सकते हो महिंद्रा थार प्लस 4 लाख रुपए केवल 49 रुपीज इन्वेस्ट करके। इसके साथ ही अगर तुम मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो तो तुमको मिलेगा 20% का कैश बोनस। तो भाई हम लोग वीडियो के एंड में टीम डिस्कस करने वाले हैं, तब तक तुम माय 11 सर्कल का ऐप फटाक से डाउनलोड कर लो। एक तरफ हमारे जड्डू भाई का पुष्पा नहीं निकल रहा, पुष्पा 2 में रोल लेके मानेंगे। और यार किड्स प्रैक्टिस करते हैं बॉलिंग प्रैक्टिस, पर लेजेंड्स जो है हमारे जड्डू भाई, इनकी प्रिपरेशन 2 महीने पहले से ही चल रही थी। पुष्पा, पुष्पराज, ये वत्ते क्या दला? इंप्लीमेंट कल किया है। ये वत्ते क्या दला? तुम लोगों को किस एंगल से लग रहा है कि हम लोग तुमको झुकाने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग झुके हुए ही हैं यार 2 साल से, और कितना गंदा परफॉर्म करें, हम लोग पुष्पा का रिवर्स वर्जन है, मैं झुका ही रहेगा साला। इनके फास्ट बॉलर्स के ऑप्शन देख के तो श्रीलंकन कोच खुद परेशान है। गजब खराब व्यवस्था है। श्रीलंका की टीम को कल कितने प्यार मोहब्बत से खिलाया यार हम लोगों ने कि अच्छा भूवी भाई की बॉलिंग नहीं खेल पा रहे क्या तुम? ए भूवी गंदा, चल हट, अब इसको बॉलिंग नहीं कराएंगे, दीपक हुड्डा को खेल लो बस। वो तो शर्मा जी और सैमसंग भी आई जाते बॉलिंग कराने की, डोली तारो ढोल बाजे, श्रीलंका भी हमारी बॉलिंग पे नाचे और उनको भी विकेट मिल जाता, ऐसा खेल रहे थे ये लोग कल। भाई ये क्या बात हुई, 2 ही ओवर दिए हमको, बोलने लगे तेरी बॉल जब तक स्टंप्स तक पहुंचेगी थर्सडे से फ्राइडे हो जाएगा तू रहने दे। भाई डेथ ओवर्स में ही तो विकेट लेते हैं हम, ई तो साला गड़बड़ हो रहा है, पर्पल कैप भी नहीं देते और अब ओवर्स देना भी बंद कर दिए। पर यूजी भाई एक बार दोनों साथ में मिलके बोल देते हैं इस साला कप नाम दे, भले टीम चेंज कर लियो आप। श्रीलंकन बॉलर्स टू ईशान किशन राइट नाउ, भैया मुहूर्त निकल जाएगा हमारा।
जब तक ईशान किशन था ना भाई, कंफर्म नहीं था कि निकलेगा कि नहीं, बट जब श्रेयस अय्यर ने बैटिंग करना स्टार्ट करी, कंफर्म हो गया कि बीसीसीआई अनाउंसेस सीरीज विद श्रीलंका, इंडियन बैट्समैन बैटिंग टॉप थ्री नहीं करनी होगी, पर श्रीलंका नो केएल, विराट, पंत, स्काई, इंडिया टोटल वोंट बी दैट हाई, मीनवाइल इंडियन टोटल वो तो लास्ट में पिच खराब हो गई थी भाई, वरना 220 तक स्कोर बन सकता था आराम से, रोहित शर्मा भी ऐसी डेड बॉल टाइप पे आउट हो गए थे बैट के नीचे से निकल के बोल्ड, श्रीलंकन बॉलर्स भी लाइक कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला आउट ऑफ फॉर्म एंड इंजर्ड बोल के बताकर पीट दिए। श्रीलंका पे बहुत दया आती है भाई, अट्टा पट्टू, जय सूर्या, संगकारा, महिला जयवर्धन जैसे प्लेयर हुआ करते थे, और आज देखो श्रीलंका, इंडियन फैंस टू इंडियन क्रिकेट टीम, भाई ये कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है भाई। वेस्ट इंडीज थी तब तक डर लगता था थोड़ा सा कि यार ये लोग मारेंगे, पर श्रीलंका छक्का भी मारता है ना तो अंदर से आवाज आती चल चल एक्टिंग मत कर, अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जा भाई। टीम इज प्रिपेयरिंग टू ईट लाइक्स ऑन 15 करोड़ जो पानी पूरी लगाना, 3 बाउंड्रीज इन अ रो फॉर ईशान किशन, सांस तो लेने दे बे, उसको सांस तो लेने दे बे। हमने कहा था ना पॉकेट डायनेमो है, ये मौका मिलेगा तो फटेगा। ईशान किशन, हम तो इंतजार ही कर रहे थे कब श्रीलंका आए और हम अटैकिंग बैटिंग करें। विराट भाई कहाँ हो, एकदम सही मौका था 100 मारने का। पर रोहित भाई मैं इंजर्ड नहीं हूँ, तुझे पता नहीं पर तू है। ऋतुराज गायकवाड़ की भी किस्मत भाई, एकदम बस प्लेइंग 11 में टॉस के पहले, जस्ट पहले भाई खेलने वाले थे और प्रैक्टिस में इंजर्ड हो गए। ब्रिलियंट इनिंग फ्रॉम ईशान, पिछली बार क्या बोला था, ओका तुम रशिया से पावरफुल, मैं यूक्रेन सा मासूम, ये मीम बहुत चल रहे भाई आजकल ट्विटर पे, रशिया यूक्रेन ने मुंह दिया तेरे 15 करोड़ वेस्ट वाले जोक्स पे, गजब मुंह था ब्रो। श्रेयस अय्यर, पापा मार क्यों रहे हो किस किस को जोक समझ में आ गया बताओ जरा, मतलब अय्यर मुत्तुस्वामी अय्यर अगेंस्ट विंडीज टुडे, श्रीलंकन बॉलर्स टू ईशान किशन, ये भेदभाव क्यों, मतलब एकदम से वक्त बदल दिया है ना, 15 करोड़ वेस्टेड मीम्स को इसे चला डाला हाथों पे रख के। तो यार अभी मैंने देखा नहीं है कि प्रोबेबल 11 क्या है, बट अभी के लिए टीम हम लोग ये रख लेते हैं, कल फिर फाइनल टीम डिस्कस कर लेंगे। बट मैंने विकेट कीपर में लिया ईशान किशन को, बैट्समैन में असल हंका भाई यही थोड़ा था दम लगा रहा था, और निशंका, ये थोड़ा निशंका जो भी नाम है इसका, ये थोड़ा अच्छा बैट्समैन है, बाकी रोहित शर्मा और अय्यर, क्योंकि टॉप 3 के अलावा बैटिंग तो आना मुश्किल। ऑलराउंडर में हमारे पुष्पा और शनाका, क्योंकि शनाका ही एक प्लेयर है यार जो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस अच्छा करता है भाई श्रीलंका की तरफ। बॉलिंग में भाई भूवी बुमराह में कभी छोड़ता ही नहीं हूं, और यूजी भाई को उसके साथ में ले लिया। लास्ट प्लेयर यार या तो ऑलराउंडर के साथ जाना है तो करुणा रत्ने को ले सकते हो, या फिर बॉलिंग में जाना है तो फिर चमीरा को ले सकते हो। वाइस कैप्टन यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ईशान किशन को, और कैप्टन रोहित शर्मा। तो बस यार बाकी इसी तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, भाई को मत भूल जाना यार, और माई 11 सर्कल का ऐप डाउनलोड कर लो, और या तो इसी टीम से खेल लो या फिर अपना दिमाग लगा के कुछ चेंजेस कर लो। Game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk.